हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक हाउस। जब भी आप कोई भी पिक्चर लाइक इमेज हो या वीडियो अपने फ्रेंड्स को जब व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करते हैं तो एंड रिजल्ट के ऊपर यानी आपकी फ्रेंड के पास जो इमेज है या वीडियो है उसकी क्वालिटी काफ़ी डिग्रेड होकर पहुँचती है। अब जो है व्हाट्सएप जल्दी ही एक फीचर लेके आने वाला है जिससे आप जब भी कोई भी वीडियो फाइल अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तब आपको जो है पॉपअप के थ्रू वो पूछेगा कि आपको वीडियो की क्वालिटी क्या रखनी है, ऑटो रखनी है, बेस्ट रखनी है या लो रखनी है। तो ये फीचर काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, लेकिन ये फीचर जो है फ्यूचर में उन्होंने प्लान किया हुआ है, अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो फीचर कब आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक का यूज़ करके आपने जिस भी क्वालिटी के अंदर वो इमेज जो है कैप्चर की है या वो वीडियो बनाया है सेम क्वालिटी आपके फ्रेंड के पास व्हाट्सएप के थ्रू पहुँच जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि अगर आप नॉर्मल या ट्रेडिशनल वे से फ़ोटो भेजते हैं तब क्या क्वालिटी जाती है, क्या साइज़ रहता है। एट द सेम टाइम अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक अगर यूज़ करते हैं तो आपको किस तरह की क्वालिटी देखने को मिलेगी। अब जो मैं गैलरी के अंदर जाके ये इमेज जो है सेंड कर देता हूँ। ये इमेज मेरे जो दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का वहाँ जो है जा चुकी है। अब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखिए, उस तरीके का यूज़ करके आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी यानी कि जो भी क्वालिटी आप यहाँ से सेंड करेंगे इस मोबाइल से इस मोबाइल में वो जो है पूरी तरह पहुँच जाएगी, किसी भी तरह का उसके अंदर क्वालिटी लॉस नहीं होगा। आपको जो है अटैचमेंट आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जहाँ अभी तक आप कैमरा या गैलरी के थ्रू जो फ़ोटोज़ भेज रहे थे अब वो आपको जो है डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजना है। डॉक्यूमेंट के थ्रू जब भी व्हाट्सएप जो है डेटा सेंड करता है तो वो समझता है कि आप किसी भी तरह की डॉक फाइल या पीडीएफ फाइल जो है भेज रहे हैं, तो ऐसे में वो किसी भी तरह की क्वालिटी जो है उसको कंप्रेस नहीं करता है। अब ये सेम इमेज जो है मैं दोबारा भेजता हूँ बट एज ए अटैचमेंट। ये चीज़ जो है आप देख पा रहे होंगे ये एज ए फाइल गई है ना कि किसी तरह की गैलरी इमेज के थ्रू, ये यहाँ पे जो है पहुँच चुकी है। अब इन दोनों इमेजेस का एक बार आपको क्वालिटी और साइज, ये वो इमेज है जो मैंने जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो भेजी है। अब अगर इसका मैं साइज एक बार चेक करूँ डिटेल्स के अंदर जाके, अब जो है आप चेक कर पा रहे होंगे कि इसका जो साइज़ है वो 92.86 KB है जो कि मैंने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है। ये इमेज जो है एज ए फाइल गई है और इसका अगर मैं आपको साइज दिखाऊं, इसका साइज आप चेक कर पा रहे होंगे 1.53 MB, जहां उसको व्हाट्सएप ने जो है कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी और उसका साइज 92.5 KB कर दिया था, वहीं इस फाइल का ओरिजिनल साइज 1.53 MB है। यानी व्हाट्सएप जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है कंप्रेस करता है फाइल को, उससे फाइल तो जो है एंड यूज़र तक पहुंच जाती है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो टोटली ही डिग्रेड हो जाती है। आप कोई भी अगर फाइल भेजना चाहते हैं लाइक इमेज या वीडियो है तो वो आप डॉक्यूमेंट के थ्रू भेजें, गैलरी के थ्रू ना भेजें। गैलरी से या कैमरा से भेजते ही आपकी क्वालिटी जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाएगी, वहीं अगर आप डॉक्यूमेंट से भेजते हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी तरह की टेक और ट्रेंडी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।